हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना हेल्थ मिशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीहाइड्रामिनास के बारे में, जो कि गर्भावस्था के दौरान होने वाला एक मेडिकल कंडीशन होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो पॉलीहाइड्रामिनास गर्भावस्था के दौरान होने वाला एक मेडिकल कंडीशन होता है, जिसमें बच्चा पानी से भरे एक थैले में रहता है, जिसे हम एमनियोटिक सैक बोलते हैं, जो कि क्लियर लिक्विड फ्लूड से भरा होता है, जिसे हम उस फ्लूड को हम एमनियोटिक फ्लूड बोलते हैं। तो जब एमनियोटिक फ्लूड की मात्रा 2000 ml या फिर 2 लीटर से ज़्यादा हो जाता है, तो इसी कंडीशन को हम पॉलीहाइड्रामिनास बोलते हैं। वह इसमें प्लेसेंटा रहता है, जिसके थ्रू बच्चे को न्यूट्रिशन और माँ का ब्लड मिलता है। और ये जो दिख रहा है, यह है एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक फ्लूड से भरी इस थैली में बच्चा रहता है। तो जब एमनियोटिक फ्लूड की मात्रा 2000 ml या फिर 2 लीटर से ज़्यादा हो जाती है, तो इसी कंडीशन को हम पॉलीहाइड्रामिनास के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूड आता कहाँ से है। तो जो एमनियोटिक फ्लूड है, इसका 75% बच्चे के यूरिन से रहता है और 25% हिस्सा प्लेसेंटा से आता है। तो जो प्लेसेंटा है, ये एमनियोटिक फ्लूड का सिक्रीशन करता है और उस एमनियोटिक फ्लूड को बच्चा एस्पिरेट करता है, पीता है और उसे यूरिन के रूप में निकालता है। तो जनरली हम जितना पानी पीते हैं उतना हम यूरिन से नहीं निकालते हैं, तो वैसे ही बच्चा भी जितना एमनियोटिक फ्लूड को पीता है उतना यूरिन नहीं करता है। इसलिए प्लेसेंटा से सीक्रेट होने वाला जो एमनियोटिक फ्लूड है और बच्चे का जो यूरिन है, ये मेंटेन रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। लेकिन यदि किसी कारण से प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूड का सीक्रेशन करने लगता है और बच्चा उसे कम मात्रा में पी पाता है, तो इस कंडीशन में जो एमनियोटिक फ्लूड का मात्रा है वो इम्बैलेंस हो जाता है और एमनियोटिक फ्लूड की मात्रा बढ़ने लगती है। तो इसी कंडीशन को हम पॉलीहाइड्रामिनास के नाम से जानते हैं। देन हम बात करते हैं कि किन कारणों से पॉलीहाइड्रामिनास होता है। तो वही, यदि प्लेसेंटा एमनियोटिक फ्लूड का सीक्रेशन ज़्यादा कर रहा है और बच्चा उसे बहुत कम मात्रा में पी पा रहा है, तो ये कारण है एमनियोटिक फ्लूड के मात्रा का बढ़ने का। देन है मैटरनल कंडीशन, मैटरनल डायबिटीज़। यदि प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज़ है, तो उस कंडीशन में जो आंवल है, प्लेसेंटा है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और जब इसका साइज़ बड़ा होता है तो एमनियोटिक फ्लूड का सीक्रेशन ज़्यादा करने लगता है, जिस वजह से जो पानी की मात्रा है वो बढ़ जाती है और पॉलीहाइड्रामिनास हो सकता है। देन सेकेंड रीज़न है ट्विंस बेबी या फिर ट्रिपलेट बेबी। जब माँ के गर्भ में 2 बच्चे या 3 बच्चे होते हैं, तो उस कंडीशन में भी जो प्लेसेंटा है उसका साइज़ बड़ा रहता है, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूड का सीक्रेशन बढ़ जाता है और पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जो जिसकी वजह से पॉलीहाइड्रामिनास होता है। देन है एमनियोटिक फ्लूड का एब्जॉर्प्शन कम होना, ये भी एक कारण है पॉलीहाइड्रामिनास का। और इसके 65% जो कारण है वो अननोन है, एटियोपैथिक रीजन की वजह से पॉलीहाइड्रामिनास हो सकता है। देन हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, कि पॉलीहाइड्रामिनास होने पे प्रेग्नेंट लेडी में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो अत्यधिक तेज़ी से वज़न का बढ़ना, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा। पूरे होल प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका वज़न 11 केजी तक ही बढ़ता है, लेकिन पॉलीहाइड्रामिनास के केस में प्रेग्नेंट लेडी का वज़न 11 केजी से भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये भी एक सिम्टम्स है पॉलीहाइड्रामिनास का। देन है माँ के पेट का आकार का तेज़ी से बढ़ना, माँ के पेट का आकार तेज़ी से बढ़ने लगता है पॉलीहाइड्रामिनास होने पे। देन है बेचैनी होना, जब पेट का आकार बढ़ेगा तो माँ को सांस लेने में दिक्कत होगी और बेचैनी होगा। देन है पैरों में सूजन और पूरे शरीर में सूजन देखने के लिए मिलेगा। भ्रूण की गति धीमी हो जाना, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूड की मात्रा बढ़ गई है इसलिए बेबी को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है, इसलिए जो भ्रूण की
गति है वो धीमी हो जाती है, देह में सांस फूलने लगता है, सीने में जलन होगा, अपच होगा और तनावपूर्ण कंडीशन रहेगा, पेट कड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से बच्चे को पॉलपेट करने में भी परेशानी होगा। तो ये सारे सिम्टम्स पॉलीआर्डोमिनास के केस में देखने के लिए मिलता है। तो पॉलीआर्डोमिनास को हम आइडेंटिफाई करने के लिए अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करा सकते हैं जिसमें क्लियर आउट हो जाएगा कि पॉलीआर्डोमिनास है। तो हम जो एमनियोटिक फ्लूइड का इंडेक्स देखते हैं, यदि इसका नॉर्मल जो रहता है 5 to 25 centimeter रहता है, लेकिन जब इससे ज़्यादा हो जाता है 25 centimeter से जब ज़्यादा रहता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स तो इसका तो पॉलीआर्डोमिनास का कंडीशन रहता है, और 5 centimeter से कम रहता है तो उसका मतलब है ऑलिगोहाइड्रोमिनास, इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है। देन हम बात करते हैं पॉलीआर्डोमिनास होने पे जो प्रेग्नेंट महिला है उसको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो समय से पहले झिल्ली का फटना और समय से पहले बच्चे का डिलीवरी होना, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है जिसकी वजह से प्रेशर डालता है और एमनियोटिक फ्लूइड की जो थैली होती है, झिल्ली होती है, वो फट जाता है, उसकी वजह से जो बेबी है वो समय से पहले डिलीवर हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है पॉलीआर्डोमिनास का। देन है ब्रीच डिलीवरी। नॉर्मली जो हम नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं उसमें जो प्रेजेंटेशन होता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है, मतलब बच्चा सिर तरफ से आता है, लेकिन ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो बच्चा है वो कोहनी से, हाथ से, कूल्हे से, ये सारे उसके प्रेजेंटिंग पार्ट्स होते हैं जिसे हम ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो पॉलीआर्डोमिनास में ब्रीच डिलीवरी हो सकती है। देन है गर्भनाल का आगे बढ़ना, क्योंकि इसमें एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाता है तो ये प्रेशर डालता है, इसकी वजह से जो झिल्ली है वो फट जाती है, उसकी वजह से जो ये कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है पॉलीआर्डोमिनास का। देन है शिशु का विकास अवरुद्ध होना, क्योंकि इसमें जो पानी की मात्रा है वो बढ़ गया है, इसके लिए जो बेबी है उसको प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए स्पेस नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बेबी का जो ग्रोथ है वो धीमा हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। देन है नॉर्मल डिलीवरी की अपेक्षा इसमें सीजेरियन डिलीवरी की आवश्यकता हो सकती है। देन रक्त स्त्राव की संभावना, पॉलीआर्डोमिनास के केस में जब महिला का डिलीवरी होता है तो उसकी मात्रा ज़्यादा रहती है, इसकी वजह से जो पेट का साइज़ है वो भी बढ़ा हुआ रहता है, तो जब बेबी डिलीवर होता है तो जो साइज़ है वो बढ़ा हुआ है तो उसको सिकुड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए यहाँ पे डिलीवरी होने के बाद में रक्त स्त्राव ब्लीडिंग हो सकता है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है पॉलीआर्डोमिनास होने का। तो आई होप आज का जो टॉपिक है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।